अपनी पूर्व प्रधानमंत्री और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान अपना जीवन जो है देश की एकता और अखंडता के लिए जो बलिदान दिया, आज उनको किराज़-ए-अक़ीदत पेश करने के लिए हमने यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के यहाँ सारे कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। निसंदेह श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी इच्छा शक्ति और अपने जो चाहे गरीबी हटाओ, चाहे बैंकों का निजीकरण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और ऐसे अनेकों कार्य उन्होंने किए जो देश उनको कभी भूल नहीं सकता, और देश की एकता और अखंडता के लिए जो उनका बलिदान है उसे हमेशा हम याद रखेंगे और आने वाली पीढ़ी उसको हमेशा प्रेरणा के तौर पे याद रखेंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस है। उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेके और आज़ादी के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान को एक धागे में पिरो के हिंदुस्तान को ताकतवर और हिंदुस्तान को एक अखंड भारत बनाया, उसके लिए आज हम उनको भी अपनी यहाँ खिराज-ए-अक़ीदत पेश करते हैं और यही कहते हैं कि आने वाले जो पीढ़ी है वो हमारे इन दो महान नेताओं से प्रेरित होकर देश को मजबूत करे, और जो आज चुनौतियां हैं देश में, चाहे वो चुनौतियां देश में ऐसी ताकतों के वजह से है जो नफरत फैलाना चाहते हैं, देश में विभाजन करना चाहते हैं, वैचारिक मतभेद रखना चाहते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, उनसे भी हम लड़के देश को अपने उसी स्वरूप में रखें जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे जो नेता हैं उन्होंने उसकी कल्पना की थी, और कैसे किसी नापाक इरादे को हम कामयाब ना हों। देश विदेश की, राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।